कहां तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। चलिए साल 2020 अब हम लोगों का खत्म हो चुका है और साल 2021 अब हम लोगों का आने वाला है। तो साल 2020 में क्या हुआ, साल कैसा बीता, इनके बारे में बात करना उतना जरूरी हम नहीं समझते हैं जितना ये जरूरी है कि साल 2021 में हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, जो आगे है उसके बारे में बात करना ज़्यादा महत्वपूर्ण हमको लगता है। तो सबसे पहले अगर विद्यार्थियों के लिए बात करें तो साल 2021 में तुम सब लोग को एक सपना देखना चाहिए, सपना नहीं बहुत बड़ा सपना देखना चाहिए। एक एग्जाम्पल तुम लोग को हम दे रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि एक रिपोर्टर था रतन टाटा के पास गया और पूछा कि सर आप BMW कब खरीद रहे हैं। तो रिपोर्टर का पूछने का मकसद था BMW कार कब खरीद रहे हैं। हालांकि उस समय हो सकता है रतन टाटा के पास BMW कार ना हो, पैसा तो उनके पास बहुत है लेकिन शौक उनका उतना ज़्यादा नहीं है जैसा कि तुम लोग सब जानते हो। तो रतन टाटा बोले कि अभी 5 साल लगेगा रिपोर्टर को। तो रिपोर्टर भौचक कर आ गया और रतन टाटा को कहा सर आपके पास तो इतना संपत्ति है, आप चुटकी बजाएगा तो आपके गेट पर हजारों लाखों BMW कार खड़ा हो जाएगा। तो रतन टाटा मुस्करा के जवाब दिए हम BMW कंपनी की बात कर रहे हैं, उसको खरीदने में हमको 5 साल लग सकते हैं। तो ये माइंडसेट होना चाहिए, आप जो सपना देखते हैं वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए, आप जो टारगेट सेट करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। जैसे अगर डिप्लोमा के रिस्पेक्ट में बात करें तो डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए जो टारगेट होना चाहिए वो सबसे बड़ा नौकरी होना चाहिए, जैसे इसरो हो गया, DRDO हो गया, वहाँ पहुँचना उसके लिए एक बहुत बड़ा सपना होना चाहिए और उस सपना को पूरा करने के लिए हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाना चाहिए। तो जो सपना में तुम लोग नौकरी को सेट किए हो, जो टारगेट सेट किए हो, वो तुम्हारे लिए नौकरी है। अगर मेहनत करने में कहीं पर कमी रह जाता है तो बहुत सारी मान लो वो नौकरी नहीं मिलेगी लेकिन बहुत सारी नौकरियां मिल सकती हैं। इसलिए अपना जो माइंडसेट है, अपना जो टारगेट है, ये हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, इसको हमेशा तुम लोग ध्यान में रखना। और सब लोग एक बहुत बड़ा सपना देखना कि साल 2021 के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए और अपना जी जान झोंक के सब कुछ त्याग करके उस सपना के पीछे पड़ जाना कि बस यही मेरे लिए सब कुछ है, यही मेरे लिए जीवन है, इसके अलावा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। देखना तुम लोग को एकदम कामयाबी मिलेगा, सब लोग सक्सेसफुल होंगे। दूसरी बात, बहुत लोग ये कहता है कि सर वैकेंसी कम है, आप बोल रहे इतना बड़ा सपना देखने के लिए, तो वैकेंसी नहीं और इतना बड़ा सपना देखने के लिए बहुत मुश्किल काम है। तो एक एग्जाम्पल तुमको और हम देते हैं। जानते हो एक जाहिल गवार आदमी था जिसको ये नहीं पता था कि किसी छैनी पर किस एंगल पर फोर्स मारेंगे तो इम्पैक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो व्यक्ति जो जाहिल गवार व्यक्ति था उस छैनी हथौड़ी से एक विशाल पर्वत को तोड़ के वहाँ पर रास्ता बना दिया था जिसका नाम दशरथ मांझी थे, हमारे बिहार से ही आते हैं। तो क्या तुम जो सपना देख रहे हो, जो नौकरी के बारे में सोच रहे हो, वो उससे भी बड़ा है क्या? उससे तो बड़ा नहीं है। तो जब वो छैनी हथौड़ी लेके, जिनको कुछ नॉलेज नहीं है कि किस एंगल पर हथौड़ी को छैनी पर मारेंगे कि इम्पैक्ट प्रोड्यूस होगा और मेरा पत्थर टूट जाएगा, वो व्यक्ति अपने सपना को पूरा करने के लिए मेहनत करके उस पर्वत को तोड़ के रास्ता बना सकता है। तो तुम्हारा जो सपना तुम सेट किए उतना बड़ा सपना तो नहीं है कि तुम उसको पूरा नहीं कर सकते। तो ये माइंडसेट की बात है, हम लोग को ऐसा माइंडसेट रखना है, हम लोग को ऐसा एटीट्यूड रखना है अपने जीवन में, और साल 2021 में मन लगा के पढ़ाई करना है। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ाई करो, जो कर सकते हो उतना पढ़ाई करो। जरूरी नहीं है कि हम 8 घंटा सोएं, बहुत जगह सुनते होगे कहता है कि 8 घंटा से कम सोगे तो पागल हो जाओगे, ये हो जाओगे, बिल्कुल सब मिथ्या है, बकवास बात। अगर 8 घंटा तुम सोते हो, 9 घंटा तुम सोते हो, तो तुम सोचते हो जीवन का 30% तो तुम सोने ही में बिता दिए। तुमको सोना बस उतना ही चाहिए जितना तुमको थकावट को दूर करने में लगे। 5 घंटा में तुम्हारा थकावट दूर हो जाए, गुड। इसके अलावा 24 घंटा में अगर 5 घंटा माइनस कर दे, जो भी समय तुम्हारा बचा उसको तुम अपने सपना को पूरा करने के लिए झोंक दो। केवल पढ़ाई करो, जो भी तुम टारगेट सेट किए हो केवल उसी के बारे में सोचो। तुम्हारे लिए भगवान भी वही है, तुम्हारे लिए प्रेम भी वही है, तुम्हारे लिए ईश्वर भी यही है, खुदा भी यही है, तुम्हारा सपना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर तुम इस चीज़ को समझ सकते हो तो निश्चित तौर पर मेरे बात को अगर समझ रहे हो तो हम बता देते हैं कि तुमको तुम्हारे सपना को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता, पूरा कायनात मिलके तुम्हारे सपना को पूरा करेगा अगर तुम उसके लिए पागलपन से समर्पित हो। तो ये चीज़ होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए। तो इसी के साथ हम उम्मीद करेंगे कि मेरे अगर वीडियो को तुम लोग समझोगे और इस वीडियो से कोई इंस्पायर हो के अगर एक बच्चा भी
मेरा सब सरकारी नौकरी अगर ले लेता है तो हम समझेंगे, या कोई भी प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे जगह पहुंच जाता है तो हम समझेंगे आज जो हम बात बोले ये मेरा सफल रहा। तो चलो स्टूडेंट्स, इसी के साथ अब हम विदा कहेंगे और सबके लिए शुभकामना देते हैं कि भाई जो हमारा साल आने वाला है ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए सब तरीके के खुशियाँ को लेके आए।